तो कोसेक इनवर्स टू का आपका प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है. प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब होता है दैट एंगल विच इज फ्रॉम द प्रिंसिपल ब्रांच, है ना. तो कोसेक और काट और सेक में तो हम लोग कंफर्टेबल होते नहीं हैं. तो सबसे पहला काम हमारा एंकर पॉइंट हो गया कि हम इसको अपने कंफर्टेबल जोन में ले जाते हैं, मतलब साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स में ले आना चाहिए. तो चूंकि कोसेक इनवर्स है तो वहाँ से आप कहाँ आ जाओगे, साइन इनवर्स में आ जाओगे. फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना पड़ेगा, हमें पता होता है कि सिंस साइन इनवर्स जो कोसेक इनवर्स एक्स होता है, कोसेक इनवर्स एक्स कुड बी रिटेन एज ए साइन इनवर्स ऑफ वन बाई एक्स. तो पहले हम ये फॉर्मूला लगा के अपने कंफर्ट जोन में आ जाएंगे. तो यहाँ पे एक्स क्या है आपका, यहाँ से टू है, तो दैट कुड बी रिटेन एज ए साइन इनवर्स ऑफ वन बाई टू हो गया, ठीक है. अब ये जो वन बाई टू है ये साइन के किस एंगल की वैल्यू होती है, वन बाई टू. तो हम लोग जानते हैं जैसा क्लास टेंथ में आप पढ़ते हैं कि ये साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है. साइन 30 डिग्री है लेकिन हमें रेडियन में चाहिए, तो रेडियन में 30 डिग्री को रेडियन कितना लिखा जा सकता है, पाई बाई सिक्स, ठीक है. तो जो ये आपका 1 बाई टू है इसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे साइन पाई बाई सिक्स से. तो दैट रिप्लेस्ड बाई दैट द नेक्स्ट स्टेप इज साइन पाई बाई सिक्स हो गया. अब जैसा कि हम लोग जानते हैं नेक्स्ट स्टेप के लिए कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, एक्स होता है, लेकिन ये हमेशा नहीं होता है. आपको पता होना चाहिए कि जो ये एक्स है ना, ये इसके डोमेन में होना चाहिए, पहले ये एक्सेप्ट करे ताकि एग्जीक्यूट कर पाए, और इसकी रेंज में होना चाहिए. तो साइन का डोमेन तो ऑल रियल नंबर ऑफ एक्स होता है, तो एक्स को रियल होना जरूरी है, और हम लोग रियल के लिए बात कर रहे हैं तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन एक्स जो टर्नआउट होके आएगा वो इसकी रेंज में है कि नहीं है, तो दो चेकिंग करेंगे कि ये इसकी डोमेन में होना चाहिए और साथ में इसके रेंज में होना चाहिए, है ना. तो डोमेन ऑल रियल नंबर ऑफ एक्स है और रेंज क्या है आपका, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू है, ठीक है. तो जो पाई बाई सिक्स है आपका, पाई बाई सिक्स ये आपका इसका फाइनल आंसर हो गया. अब लास्ट स्टेप बची आपकी वेरिफिकेशन की. तो वेरिफिकेशन हम लोग कैसे करते हैं, वेरिफिकेशन के लिए हम लोग जानते हैं कि जो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है, ग्राफ आप याद कर लीजिए, ये आपको कई बार क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए काम देगा. सिर्फ मैथ में ही नहीं, फिजिक्स हो जाए या केमिस्ट्री हो जाए, वो हर जगह हेल्प करेगा मैथ के अलावा, है ना. तो ग्राफ आपको याद होना चाहिए ताकि आप मैथमेटिकली स्ट्रांग रहिए चीज़ों को एनालाइज करने के लिए. ये माइनस वन से वन ये डोमेन हो गई, और रेंज हो गया आपका पाई बाई टू से माइनस पाई बाई टू, ये माइनस पाई बाई टू हो गया. तो जो हमारा आंसर आया है पाई बाई सिक्स, पाई बाई सिक्स का मतलब कितना हुआ, 30 डिग्री. तो ये 0 से 90 डिग्री है, तो 30 डिग्री आपका कहीं बीच में होगा, है ना. तो देयर इज पाई बाई सिक्स. इसका मतलब कि ये प्रिंसिपल, जो भी इसका प्रिंसिपल ब्रांच से ये वैल्यू है ना, मतलब हमारा आंसर जो भी है वो करेक्ट है. तो ये वेरीफाई हो रहा है, ठीक है. तो दैट इज़ योर फाइनल आंसर.